हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट। और डिस्काउंट से हर बार के एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कन्फर्म है। एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ज़्यादा पूछ लिए तो दो तीन क्वेश्चन आ ही जाती हैं। तो आज हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके फॉर्मूले वगैरह मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, पहली बात जो होती है वो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। कभी कभार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो अलग अलग डिस्काउंट दिए जाएंगे। मान लीजिए एक 10% दे देगा और एक बोलेगा दूसरा डिस्काउंट है वो 5% है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं नेट डिस्काउंट। उसका फार्मूला होता है x+y - xy/100। मगर जब हम आज क्वेश्चन करेंगे तो इस फार्मूले से ना रिलेट करके डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। और एक फार्मूला और होता है डिस्काउंट में ही, जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है वो होता है 100+ - डिस्काउंट, और 100+ - प्रॉफिट या लॉस। ये फार्मूला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फार्मूले से आप नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये रही सेकंड स्लाइड। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है अप्लाइड टू अ बिल फॉर 1 lakh द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4% इज़। 1 lakh रुपए की राशि पर दो तरह के बट्टे डिस्काउंट, जिनमें 1/40% है और दूसरा 2/2 क्रमगत 36% और दूसरा 4% है, दोनों तरह के बट्टों में क्या अंतर है? कहा गया है एक जो टोटल 40% का डिस्काउंट दे दिया और एक जगह दिया गया, एक पहले 36 का दिया फिर उसके बाद 4% का डिस्काउंट दिया, तो इन दोनों के 36 में और 36+4 में इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मत लगा दीजिए कि जोड़ दिया 36+4 40, ये भी है 40, ये भी है, तो निल हो गया, मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक कहीं आप ये लगा दें। देखिए, मैंने अभी आपको नेट रेशियो का फार्मूला, नेट डिस्काउंट का फार्मूला बताया था, उसी को यूज़ करते हैं। क्या कि एक 36 है, दूसरा 4 है, और इस प्लस माइनस 30x into y होता है xy 36 4/100, तो ये कट जाएगा ये 25 से, तो ये आ जाएगा हमारे 36+4 = 40 और -1.44। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और एक बोला गया है जो दूसरा है वो डायरेक्ट टोटल जो दिया गया है, फर्स्ट मान लीजिए ये, सेकंड जो है वो टोटल एक ही बार में 40 दे दिया गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? 1.44 का। अब ये तो परसेंटेज में है, हमसे पूछा कि इसमें ऑप्शंस में रुपीस में दिया गया है, तो हमारा इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 lakh ये हमारी वैल्यू दे रखी है 100 की। ठीक, हमें निकालनी किसकी है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। आइए, हमें 1 lakh की वैल्यू दे रखी है, ठीक, ये 100% है, हमें निकालना है 1.44 के बाद वैल्यू, तो ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो 2 0 ये, 2 0 ये, 4 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 1440 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
हमने नेट वाले फार्मूले से कराया, नेट डिस्काउंट वाले फार्मूले से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है अ ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड्स 10% अबव हिज कॉस्ट प्राइस इफ ही अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक इफ एनी। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर देता है, ठीक, 100 की चीज़ को, मतलब वो 110 रुपये कर देता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अब अंकित मूल्य जो उसने निर्धारित, मतलब जितना बढ़ा दिया, फिर उस पर 10% की छूट देता है, तो इस प्रकार वह व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त करेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है मान लीजिए कोई चीज़ है वो 100 रुपीज़ की है, ठीक, 100 रुपीज़ की है, अब उस पर जो है वो 10% इनक्रीज़ कर देता है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 110। ये तो हो गया हमारा मार्क प्राइस, ठीक, ये था हमारा कॉस्ट प्राइस। अब मार्क प्राइस पे का कह रहा है, मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो माइनस 10%, तो 110 का 10% होगा हमारा 11, ठीक, तो ये हो जाएगा, इसमें से 11 घटाएंगे, 110 में से 11 घटाएंगे तो 99, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कहा गया है तो इस प्रकार वह व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि करेगा, मतलब कि 100 की चीज़ को उसने 99 रुपये में बेच दिया, तो कितने 1% का उसे लॉस हो गया, ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है अ ट्रेड्समैन मार्क इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस ही अलाउज हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन मार्क प्राइस, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ या लाभ प्रतिशत बताइए। अभी जो हमने क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम उसी मेथड से करिए आप, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा, ये क्या आंसर है इसका। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे, जिनसे नहीं हो पाया वो देखिए। कहा गया है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उससे 20% अबव करता है, मतलब कि 120 कर देता है उसको, ठीक, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, मतलब कि अब इस पर 8% की छूट देगा, मतलब कि इसका 8%, तो इसका 120 का 8% कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9.6, ठीक, तो इसमें से 120 में से हम 9.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 111.4 बचेगा। ये आ गया हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक। अब ऑप्शन नंबर इसमें आ गया हमारा, तो अब यहाँ पर 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने 100 रुपये की कोई चीज़ थी उसने 110.40 रुपये में बेच दी, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपये, 10.4% का, 10.4% का उसका प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है उसके लिए प्लीज़ सॉरी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया है द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ 1000, अ रिटेलर बाय इट एट्स 810 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट
ऑफ 10% एंड अनदर रेट विच इज़ इलेजिबल व्हाट इज़ द सेकंड डिस्काउंट रेट। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रम के छूट पर 10% और दूसरी अस्पष्ट है में ग्राहक को 810 रुपये में बेचता है, तो दूसरी छूट दर क्या है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने थंबनेल में लगाया है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर बार की शिफ्ट में पूछा गया है, ये हर बार बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एसएससी नहीं एसएससी बैंक रेलवे इन तरह के क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है 1000 की कोई वॉच थी, 1000 की कोई वॉच है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब कि 10% कितना हो जाएगा इसका 100, मतलब कि इसको 900 में बेच दिएगा। अब 900 में बेच देने के बाद उसने अब सेकंड के दे रखा है, अब फाइनल वो 810 में बेच देता है, मतलब पहले तो उसने 10% का दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, अब दूसरी बार में जो वो रुपए में दे रखा है, मतलब कि उसने फाइनल 810 रुपए में बेची है, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया, 90 का दिया, 90 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया, तो 90 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया है वो हमारा 900 पर थी तो दिया है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये 90 रुपये का डिस्काउंट हो गया 9 रुपये पे, तो मतलब कि 9 सही है, एक बार में चला जाएगा, तो 10% का जो है वो डिस्काउंट दिया है सेकंड वाला, दूसरा भी 10% का ही दिया, तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा है, और तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।